नमस्ते भारत, मैं हूं मनविंदर और मेरे पास दो बड़ी खबरें हैं। सबसे पहली खबर तो ये है कि जिस घड़ी का इंतजार था 18 साल से ऊपर के वो उनकी उम्मीदों पे कुछ कुछ पानी फिर गया लग रहा है। कोविन पोर्टल का सर्वर जो है वो क्रैश हो गया है। और दूसरी खबर ये है कि महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने अपने यहाँ वैक्सीनेशन को टाल दिया है जो 1 मई से शुरू होने वाला था। देश में 18 और इससे ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीन 1 मई से शुरू होगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन आज यानी आज 28 अप्रैल शाम 4 बजे शुरू होना था, लेकिन 4 बजते बजते कोविन पोर्टल क्रैश हो गया। लोगों को आरोग्य सेतु और उमंग ऐप पर भी ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल 18 से 44 साल के लोग बिना रजिस्ट्रेशन के टीका नहीं लगवा सकेंगे। ऐसे में पोर्टल क्रैश होने से लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले सरकार ने रजिस्ट्रेशन के लिए तारीख का ऐलान तो किया, लेकिन किस समय रजिस्ट्रेशन शुरू होगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। ऐसे में लोगों ने 27 अप्रैल की रात 12 बजे के बाद से ही कोविन पोर्टल, आरोग्य सेतु और उमंग ऐप पर रजिस्ट्रेशन की कोशिशें शुरू कर दी। प्रोसेस शुरू न होने की स्थिति में लोग सोशल मीडिया पर शिकायत करते भी नजर आए। इसके बाद आरोग्य सेतु ऐप के जरिए सरकार ने स्थिति को साफ किया और 18+ उम्र के वो लोग जो अपना वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं उनके लिए बुधवार शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होना था, ऐसी लोगों के पास जानकारी थी। ऐसे में लोगों ने अपॉइंटमेंट भी प्राइवेट और राज्य सरकार के सेंटर्स की उपलब्धता के आधार पे ही लेना था, यानी कि राज्यों में 1 मई को वैक्सीनेशन के लिए सेंटर्स पे ही अब हो सकता है अपॉइंटमेंट उन्हें दिया जाए। मैं आपको बता दूं कि भारत में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम के चौथे और सबसे अहम चरण पर ऐसा लग रहा है कि ये रुक जाएगा, इस पे ब्रेक लग रहा है। 1 मई से सरकार ने देश की करीब 81 करोड़ की 18+ आबादी को टीका लगाने का ऐलान किया था। इससे पहले कोरोना से प्रभावित बड़े राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम टाल दिया है। इन राज्यों में ये फैसला डोज की सप्लाई में हो रही देरी की वजह से किया गया है। राजस्थान में टीकाकरण कार्यक्रम 15 मई से शुरू किया जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ने अभी ये डिक्लेयर नहीं किया कि उनका वैक्सीनेशन कब शुरू होगा। राज्यों ने जो कारण बताए हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। राजस्थान ने कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट को वैक्सीन के ऑर्डर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक संस्थान ने इस ऑर्डर को लेकर कोई जवाब नहीं दिया। सरकार ने ये भी कहा है कि इंस्टीट्यूट को 3.75 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया गया है, लेकिन ये डोज कब मिलेगी ये अभी तक कुछ क्लियर नहीं है और केंद्र से मिलने वाली वैक्सीन भी लगातार नहीं आ पा रही है। ऐसे में 1 मई से 18+ का वैक्सीनेशन शुरू हो इसमें बहुत बड़ा संशय है। और महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि हम 18+ का वैक्सीनेशन फ्री करेंगे। इसके लिए राज्य सरकार 65,000 करोड़ का खर्च उठाने वाली है। 6 महीने के भीतर 5.71 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट है, लेकिन 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू ही नहीं हो सकेगा क्योंकि वैक्सीन की प्रॉपर सप्लाई जो है इस समय नहीं है, वैक्सीन की बहुत कमी है। वैक्सीन निर्माता सीरम और भारत बायोटेक की तरफ से अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिला है कि उनको दवाई की सप्लाई कब होगी। और अब आते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। भारत बायोटेक ने राज्य सरकार से कहा है कि उन्हें वैक्सीन जुलाई के अंतिम सप्ताह से पहले नहीं मिल सकेगी। सीरम से भी वैक्सीन को लेकर के कोई जवाब नहीं मिल रहा। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर कहते हैं कि सरकार ने दोनों कंपनियों को 25-25 लाख डोज का ऑर्डर दिया था। बायोटेक का जवाब आ गया है, लेकिन सीरम का जवाब अभी नहीं मिला है। ये जवाब कब मिलेगा उसके बाद ही टीकाकरण संभव होगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि इस टीकाकरण को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। इसमें वैक्सीन की उपलब्धता, सप्लाई और इसकी योजना को लेकर के चर्चा होने वाली है। बैठक में गृह मंत्री के अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल समेत कई अन्य मंत्री शामिल होने वाले हैं। बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी फार्मा और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई खबर। आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल एमबी स्पीक्स। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।